नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स प्लानिंग और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आपके कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में हम टैक्स प्लानिंग के जरिए आपको देते हैं जवाब। इनकम टैक्स के थ्रू पैसा कैसे बचाना है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि टैक्स तो आप ही को देना है, लेकिन उसको बचाना कैसे है इसको बताने के लिए हम आपके सामने ये खास प्रोग्राम लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जेब में पड़ा वो करारा नोट, वो करारा पैसा कैसे ज़्यादा वैल्यू ले सकता है, किस तरह से आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो कैसे उसी पैसे की वैल्यू, उसी पैसे की अहमियत बढ़ जाती है इस डिजिटल इंडिया में। तो ऐसे में इन तमाम सवालों को और बेहतर तरीके से जानने समझने के लिए मैं आया हूं और मेरे साथ मौजूद हैं रजनीश शुक्ला जी। रजनीश शुक्ला जी जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद कविंद्र जी। रजनीश जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि जो पैसा वैल्यू सेम रखता है लेकिन अगर मैं उसको कैश में ट्रांजैक्ट करता हूं तो वहां पर उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, और जब मैं उसको डिजिटल पेमेंट करता हूं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है क्योंकि सरकार मुझे बेनिफिट्स देती है। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या है, सरकार ऐसा क्यों करती है कि कैश ट्रांजेक्शन में वो अगर बेनिफिट्स नहीं देती लेकिन डिजिटल ट्रांजेक्शन में वो बेनिफिट्स देती है। कविंद्र जी, जब आप कैश की बात करते हो और कैश ट्रांजैक्शंस वर्सेस डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हो, तो द इकोनॉमी इन विच वी आर लिविंग, हमारे पास ट्रांजैक्शंस ह्यूज अमाउंट के, वॉल्यूम के और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जब इतनी बड़ी इकोनॉमी में आपको मैनेज करना होता है तो सरकार को भी कोई वे आउट खोजना पड़ता है कि मैक्सिमम कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके। जब ट्रांसपेरेंसी की बात करो तो इफ़ यू रिमेंबर 2016 में जब हमारी डिमोनेटाइजेशन आया था तो डिमोनेटाइजेशन के पीछे क्लियर इंटेंशन ही यही था कि जो भी कैश है और जो भी कहीं हिडन है फॉर एनी रीज़न, या आपने अपने घर में संभाल के कैश रखा हुआ है तो उसको बैंक तक पहुंचा दें। पीछे भी सरकार की कोशिश ऐसी रही है ताकि होल्डिंग ऑफ कैश को अवॉइड किया जा सके। जैसे जैसे वो बैंक में कैश पहुँचता जाता है वो कैश सिर्फ आपके यूज़ का ही नहीं रहता, उन बाकी लोगों के यूज़ के लिए भी रहता है जो कल को बैंक के थ्रू उस पैसे के रोटेशन में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डिमोनेटाइजेशन इसमें आपका पर्पस एक बहुत बड़ा, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को भी बचाने का, अवॉइड करने का निकलता है, क्योंकि आपका जब भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगा तो वो क्लैरिटी और उसका ऑडिट ट्रेल खोजना आसान हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो बिज़नेस प्रैक्टिसेस में भी आपके लिए ट्रांजैक्शंस इजी, कंफर्टेबल और सही हो जाएंगे, और सरकार को उसमें भी आपकी अगर मंशा गलत है, इफ़ योर इंटेंशन इज़ रॉन्ग, तो उसको सर्च कर पाना इजी हो जाता है। कविंद्र जी जी, बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि आपने डिमोनेटाइजेशन के समय का जिक्र किया तो ऐसे में हमको याद आता है कि तो उस वक्त आम से आम भी लोग जो थे वो अपना मोबाइल लेकर तमाम जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू डिजिटल पेमेंट करने लगे थे। तमाम बिल्कुल काफ़ी चला भी था, वो ऐप भी काफ़ी चला था, आप भी जानते समझते होंगे इस चीज़ को। तो सर, उसके बाद भी इस चीज तरह की चीज़ें देखने को मिली थी कि डिजिटल पेमेंट की ओर लोग बड़ी तेज़ी से बढ़े थे, ग्राफ जो था डिजिटल पेमेंट्स का बड़ी तेज़ी से बढ़ा था। ऐसे में आम से आम लोगों की तो बात होती है लेकिन बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कैशलेस ट्रांजेक्शन को बंद करने के लिए और इसको डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ाने के लिए जब सरकारें बात करती हैं तो ऐसे में बेनिफिट्स क्या देती हैं? देखो, जब आप मास पब्लिक को और बिजनेसमैन को अगर आप किसी एक अलग रूट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि अलग रूट नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग अलग वेरियस सेक्शंस इनकम टैक्स में थे पहले भी, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन डालते थे, अब आप उनसे कह रहे हो नहीं पूरी तरीके से आप हमारे साथ आ जाओ। तो जब भी आप पूरी तरीके से उन ट्रांजेक्शन्स को या उन बिजनेसमैन को अपने साथ लाने की बात करते हो तो आप उनको एक बेनिफिट भी देते हो। ये बेनिफिट क्या, आप इंटेंशन अपनी क्लियर कर रहे हो या बिजनेसमैन को भी बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है अगर आप हमारे साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ोगे तो हमको, हम आपको बिजनेस में जो भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, जहां भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें हम आपके पास बेनिफिट पास ऑन करेंगे। अब बेनिफिट कैसे कैसे उन्होंने पास ऑन करने की कोशिश करी, जैसे आप बात करो, अगर आप ऑडिट के केस में आते हो, ऑडिट के केस में इन्होंने लिमिट को लास्ट ईयर बजट में बढ़ा दिया था। इन्होंने क्या कहा, अगर हम स्पेसिफिक कैश वाले को ही फोकस करके बात करें तो उन्होंने कहा अगर आपकी 5-1 करोड़ की टर्नओवर आती है और आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन रिसीट के और पेमेंट के अलग अलग 95% के ऊपर चले जाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो लिमिट भी अब बढ़ाने की बात कर दी जो 10 करोड़ तक लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यू कम टूवर्ड्स दिस डिजिटल ट्रांजैक्शन, हम आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट और बचा देंगे।
ऐसे ही जब आप प्रिजम्प्टिव टैक्स की बात करते हो तो उसमें ये कहते हैं कि आपका टर्नओवर का 8% लो और 8% को आप इनकम मान के उसके ऊपर आपका जो भी स्लैब आता है उस हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करो, पेमेंट करें। लेकिन अगर आप डिजिटली डील कर रहे हो बिजनेस में और आपके ट्रांजैक्शंस हैं तो उसको 8% को भी घटा के 6% कर दिया, यानी 2% की आपको सेविंग दी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको सरकार ऑडिट में भी आपको सेव करने की कोशिश करती है इसमें। प्लीज़ काविंद्र जी। देखिए रजनीश जी, आपने ये तो बता दिया कि बेनिफिट्स कहाँ कहाँ हैं, तो ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि कैपिटल और रेवेन्यू के मामले में जब हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर, तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ लगाई गई हैं कैश ट्रांजेक्शन्स पर? देखो सर, उन्होंने बेनिफिट दी ऑडिट में, ऑडिट तो चलो हम चले गए कि एक बड़े एसएससी के पास चले गए। इन जनरल आप बात करो, उन्होंने कहा बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हो, बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस से जेन्युइनली रिलेटेड है, अदरवाइज देन कि आपने फ्रॉडलेंट नहीं किया है, तो आपको 100% खर्चा अलाउ होता है। इंडिया में भी होता है और ओवरसीज़ भी चले जाओ होता है। लेकिन अब प्रमोट करने डिजिटल ट्रांजैक्शन को, तो उन्होंने कहा अगर बिजनेस से रिलेटेड आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो और उसकी पेमेंट आप करते हो और वो 10,000 से ऊपर की है, तो वो कहते हैं कि हम आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। खर्चा न अलाउ करने का मतलब है 10,000 रुपये से आपकी इनकम बढ़ जाती है, जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर आप कैपिटल एसेट परचेज करते हो, कैपिटल एसेट की पेमेंट के लिए भी देखो 10,000 के एक नया राइडर डाल दिया इन्होंने। अब आप 2-3 साल पीछे चले जाओ तो राइडर आपका 20,000 पे होता था, इन्होंने उसको 10,000 पे ला दिया। इन्होंने कहा अगर आप कैपिटल एसेट की परचेज के लिए भी कोई पेमेंट करते हो और पेमेंट की वैल्यू 10,000 या अबव है कैश में, तो उन्होंने कहा हम उसको कैपिटल में एडिशन नहीं मानेंगे। यानी आपकी कॉस्ट खर्चा भी कम हुआ और आप कैपिटल एसेट की बात करो तो कल को 10,000 रुपये पर आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने, आप फिर हुंडई की बात कर लो, जैसे हुंडई में अगर आप पेमेंट करते हो, आपने कहा कि कैश पे आप उसमें डील करोगे नहीं, तो उन्होंने कहा ये वाले एक्सपेंस को आपके हम डिसअलाउ कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है कोई, उसमें आपको पेमेंट करनी 10,000 पर डे से ज़्यादा की अगर आपकी पेमेंट हो जाती है कैश में, तो कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिसअलाउ कर देंगे। तो ये इस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डालनी शुरू कर दी है ताकि आप अपने आप को या अपने बिजनेस को धीरे धीरे डिजिटल बिजनेस की तरफ ले जाना शुरू करें। प्लीज़ काविंद्र जी। बिल्कुल रजेश जी, आपके जवाब के साथ ही एक सवाल मेरे मन में तुरंत आया कि आपने बिजनेस से संबंधित चीज़ों को लेकर किए गए एक्सपेंडिचर पर तो बात की, यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया, लेकिन ऐसे में आप जो मेरा पहले सवाल था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें भी हैं जैसे कि लोन्स हुए, डिपॉजिट्स हुई, एडवांसेस हुए, इनमें किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि आम लोग तो सीधे इन्हीं से कनेक्टेड हैं सर। देखो सर, ये सेक्शंस तो पुराने हैं, सेक्शन 269SS, सेक्शन 269T, इनके जब हम बात करते थे पहले भी इन पे लेके आपको, इनफैक्ट 3CD में भी इसके अलग से वो डिक्लेरेशन और क्लैरिफिकेशन विद नंबर्स एंड फिगर्स मांगती है सरकार। तो 269SS में बात करते हैं कि जब आपने कोई लोन लिया, आपका लोन 20,000 से ऊपर का हो जाता है, तो आपका कोई भी कैश में अगर उसके बाद आप कोई लोन लेते हो तो उस पर आपकी इक्विवेलेंट पेनल्टी वो डाल देते हैं। यानी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि आपका लोन, पुराने लोन को लेते हुए अगर नया लोन लिया और 20,000 क्रॉस कर गया, तो 20,000 के ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन डिजिटल नहीं है तो सिमिलर अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। इसी तरीके से जब स्पेसिफाइड कोई ट्रांजैक्शन है, स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारे पास कोई पैसा आता है, वो भी अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी उसके ऊपर का अमाउंट है उसको हम आपके लोन के तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे, उसको पेनल्टी में लेके जाएंगे। जब आप रीपे करते हो पैसे को, आप रीपेमेंट के लिए सेक्शन 269T में लेके जाते हैं, मोर देन 20,000 का लोन है आपके पास, आप लोन रीपे करते हो अदर देन बैंकिंग चैनल या प्रिस्क्राइब्ड चैनल, एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स है, उसके थ्रू नहीं करते हो, तो आपके उस ट्रांजैक्शन पे वो इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगा देते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे मूव, वगैरह 20,000 या उस 20,000 की लिमिट के अबव के लोन लेने या रीपे करने की बात करते हैं। प्लीज़ देखिए, क्या अमीर और क्या गरीब, सबके लिए बड़ा अहम होता है प्रॉपर्टी, घर, हाउस, ये सब चीज़ें। तो ऐसे में सर, हमने बाकी चीज़ों के बारे में तो जान लिया, समझ लिया, लेकिन प्रॉपर्टी डील्स में किस तरीके से ये अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डील्स में भी क्या ट्रांजेक्शन्स पर, कैश ट्रांजेक्शन्स पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है? सर देखो, जो ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं लोन की या स्पेसिफाइड सम की बात करते हो, तो स्पेसिफाइड सम भी कई बार होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है, आपके पास एडवांस आया है तो इन्होंने उसको वहाँ भी बांधने की कोशिश करी है। और उन्होंने अदरवाइज, अब देखो रेरा में भी उन्होंने क्लियर किया है कि कैश पेमेंट्स वहाँ पर ना हो, तो जहाँ भी कैश पेमेंट की
बात आती है तो उनके रिस्ट्रिक्शंस वो इस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे कि वो अवॉइड कर सकें किसी भी ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग टाइप के केसेस में। प्लीज़ कर जी। बिल्कुल सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दरअसल प्रोग्राम के नाम से ही संबंधित है, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की बात कर रहा तो सबसे ज़रूरी हो जाता है सर, ऐसा बताइएगा इनकम टैक्स में ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका क्या असर है और इनकम टैक्स को लेकर क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं? सर देखो, बेनिफिट आपने जो शुरू से ही हमारे साथ सवाल रखे हैं सब में आप इनकम टैक्स को ही लेते चले आ रहे हो। हमने सेक्शन 44 ईडी की बात करी तो इनकम टैक्स में बेनिफिट की बात करी, हमने सेक्शन 44 ईबी की बात करी तो इनकम टैक्स की बात करी, हमने सेक्शन 216 SS/ST की बात करी तो इनकम टैक्स की बात करी। स्पेसिफिक तौर पर मतलब इनकम टैक्स में क्या डिडक्शंस देखने को मिलेंगे हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं तो? डिडक्शंस आप जानना चाहोगे, चलो हम सीधे फिर डिडक्शंस पे आ जाते हैं। डिडक्शन में आप इफ़ यू रिमेंबर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कैश में पे करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं देते। हेल्थ इंश्योरेंस हम आप सभी हर पर्सन पे कर रहा है तो अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पे कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ करते हो इसको पे करने के लिए तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आप डोनेशंस देते हो, डोनेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। डोनेशन 2000 तक की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 के ऊपर की डोनेशन चली जाती है तो आपको उसको डिडक्शन उसका वो नहीं देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन की हो गई, एक अदर देन डोनेशन अदर देन पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी में भी वो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लेके चलते हैं, 2000 की वैल्यू लेके चलते हैं। डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हो तो वहाँ पे भी उन्होंने 2000 की लिमिट डाल दी है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में जो एडिशनल बेनिफिट डिडक्शन का वो देते हैं वो तभी देते हैं जब आपकी वो ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग चैनल हो जो आप एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो। तो ऐसे छोटे बड़े इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाए हुए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी में भी इन्होंने क्राइटेरिया अलग अलग बांट दिया है। अगर कंपनीज़ की बात करते हैं तो उनको दूसरे तरीके से वो ट्रीट करते हैं, इंडिविजुअल की अगर उनको रिसीट मिले तो उसको अदरवाइज ट्रीट करते हैं। तो ऐसे उन्होंने कैश के रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग तरीके से इसमें लगा दिए हैं। इफ़ यू पे कैश तो आपको बेनिफिट डिडक्शन का नहीं मिलेगा। 216 ST की हमने बात करी ली थी, SS/ST की। 216 SU की बात करें वहाँ पर भी एक इन्होंने फैसिलिटी दी है कि अगर आपकी 50 करोड़ से ऊपर की ग्रॉस रिसीट हो जाती है तो आपको वो चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड फैसिलिटेट करें, आपकी पेमेंट्स जो हैं पेमेंट और रिसीट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही हो। B2B ट्रांजैक्शन बिजनेस की बात करिए तो B2B के अलावा जो है, अगर हम B2B की बात करें तो 95% रिसीट जो है आपकी नॉन कैश मोड में होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें पेनल्टी की बात करते हैं। ऐसे एग्जेम्पशन देते हैं, सेक्शन 13 में भी एग्जेम्पशन देते हैं कि अगर डोनेशन जो है पीछे भी हमने पॉलिटिकल पार्टी की जैसे बात कर ली, 2000 है, 2000 के ऊपर वाला है तो उसका बेनिफिट नहीं देते। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे बेनिफिट इन्होंने दिए हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ये ट्रैक कैसे करते हैं? नाउ इफ़ यू सी, अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो दे आस्क यू योर पैन नंबर, आप 50,000 है उससे ऊपर की रकम, तो व्हाट दे वांट वो कहीं ट्रेल जनरेट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आप सरकार के पास 50,000 या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करने चाहते हो तो हम आपको पैन नंबर ले लेंगे, यानी डेटा आपका कनेक्ट हो गया कल को पैन के साथ, कि जो भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे आपकी कैश की वो कहीं ना कहीं सरकार के पास अवेलेबल हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप 1 करोड़ के ऊपर का कैश डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में तो सरकार कहती है TDS भी काट लो इसके ऊपर 2% का। अगेन, TDS काटने का क्या मतलब हो गया? उनके पास ट्रेल जनरेट हो गया कि सर्टेन पर्सन ने सर्टेन अमाउंट बैंक में पर्टिकुलर डे को कैश डिपॉजिट किया है। इस पर एक चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। बजट में भी हमने इसको चर्चा करी थी कि 2% का फिगर बढ़ के 5% हो जाएगा टैक्स का, TDS का, अगर आपकी पिछले 3 सालों में आपने कभी भी रिटर्न फाइल नहीं करी। यानी दे आर ट्राइंग टू ट्रैक ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो कहीं मिस हुई हैं कैश की आपकी, या कहीं आप कैश डिपॉजिट करते जा रहे हो और उस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करते जा रहे हो। तो इस तरीके से इस पे भी इन्होंने बड़ी सारी लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं टू कनेक्ट दिस कैश एंड टू जनरेट प्रॉपर ट्रेल ऑफ दिस कैश ट्रांजैक्शन। प्लीज कावें जी। बिल्कुल रजी जी, अब जैसे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शंस की भी बात कर रहे हैं, ऐसे में बैंक्स का जिक्र बड़ा होता है क्योंकि बैंक्स जो है वही मीडियम है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करना या फिर पैसा निकालना, ऐसे में क्या क्या प्रावधान जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, क्या प्रावधान? सर, जैसा अभी मैंने बताया था आपको, कैश का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो सेक्शन 139 में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन आपको दे दिया। आप अगर कैश डिपॉजिट करते हो, कैश डिपॉजिट का उन 50,000 से ज़्यादा का है तो आपको उस पर उनको पैन नंबर अपना देना होता है, ये मैंडेटरी है। कैश विड्रॉल का भी 2% एज द केस में भी TDS इफ विड्रॉल इज मोर देन 1 करोड़ या
5% अगर आपने पीछे 3 सालों से रिटर्न नहीं फाइल करी, जैसा अभी मैंने आपसे चर्चा में जिक्र भी किया था। तो उन बेसिकली बैंक आपको इस तरीके से ट्रैक कर रहा है, और फिर ये ट्रैकिंग जो है दिस इज ये आपकी SFT में रिपोर्ट हो जाती है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड यू हैव टू क्लेरिफाई दिस टू गवर्नमेंट कि कल को ये इनकम थी या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था। प्लीज़ जी बिल्कुल सर, देखिए कोई भी टॉपिक हो उस पर जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य आ जाता है, उसे मिसलेनियस में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा सर कि और कहाँ कहाँ पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्या क्या रहती हैं ये? सर अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर होते हो और आपको फॉर्म 3CD फाइल करनी है तो उन्होंने अलग 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 क्लॉसेस दिए हुए हैं। क्लॉजेस में वो अलग अलग तरीके से आपकी कैश के सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मांगते हैं, कैश की हो गई, लोन की हो गई, तो जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी वो डिटेल मांगते हैं। जैसे उसमें अभी हमने पीछे 269 SSST की बात करी थी तो वो डिक्लेरेशन उसमें मांगते हैं। अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन करा है, आपने किसी से 2 लाख के उससे ज़्यादा के अमाउंट कैश रिसीव किया है तो वो डिक्लेरेशन में मांगते हैं। 139 सेक्शन का हमने पीछे ही चर्चा कर ली कि 50,000 या उससे ज़्यादा का आप कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपसे मांगता है। बैंक क्यों मांग रहा है? इनडायरेक्टली सरकार के लिए वो डेटा आपके पास इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग दे दी है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस और कितने अमाउंट के हों तो उसको डिस्क्लोज करना, या प्रॉपर्टी डीली जैसे आपने करी तो डिस्क्लोज करना, ये अलग अलग माध्यम है जिससे सरकार के पास आपके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स पहुंचती है, जिसके बेसिस पे वो आपसे क्वेरी जनरेट करते हैं या आपसे क्वेश्चंस या उसकी रिप्लाई मांगते हैं। तो आई थिंक हमने वेरियस सेक्शन इस समय डिस्कस कर लिए, सेक्शन 44AD से लेके 44AB से लेके सेक्शन 269 से लेके, हमने GST की भी चर्चा कर ली, हमने RERA की भी चर्चा कर ली, हमने बिजनेस एक्सपेंडिचर की भी चर्चा कर ली। तो ये वेरियस सेक्शंस के थ्रू डेटा और इनकी अवेलेबिलिटी सरकार के पास पहुंचती है। चूंकि सर आप इन मामलों के बेहतर जानकार हैं तो ऐसे में आपका ओपिनियन भी काफ़ी मायने रखता है। सर ये बताइएगा कि दर्शक ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए वो लोग किस तरह से करें और उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैश ट्रांजेक्शन से अगर हम उसकी तुलना करें तो। सर देखिए अगर हम इसमें सरकार की भी इंटेंशन जोड़ें तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आप इसमें एक दो चीज़ें आप देखो या पिछले वीक की ही न्यूज़ आप देखो तो सरकार ने जो नेट रिसीट है, टैक्स कलेक्शन है, वो इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर कोरोना रहा, सारी चीज़ें रहीं, फिर भी इनकी कलेक्शन बढ़ी है। GST की कलेक्शन ऑन अ मंथली बेसिस 1 लाख करोड़ से ऊपर की बढ़ी है। तो सरकार ये समझाने में कामयाब हो गई है कि ऐसे बहुत सी ट्रांजैक्शंस थी जो हो रही थी लेकिन ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस कैश में ख़त्म हो जाती थी या कैश डील में वो ट्रांजैक्शंस कभी भी उनका ट्रेल जनरेट नहीं होता था। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस सामने आती जाएंगी उतना सरकार के पास जो फंड है वो उसकी क्लैरिटी और वो फंड में इजाफा होता जाएगा, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को हेल्प करने में मदद करेगा। जब शुरू किया था इन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से शुरू किया था, धीरे धीरे उन्होंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, IMPS, UPI, RTGS पहले था, नेफ्ट, भीम को पिछले साल ऐड कर दिया। तो ऐसे करते करते इन्होंने रूल में स्पेसिफिक दिया है मोड ऑफ पेमेंट एंड रिसीट जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जिन फैसिलिटी को, और ये ट्रांजैक्शंस जो हैं प्रॉपर तरीके से और फास्ट भी है। इनफैक्ट फास्ट ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, भीम UPI आप बहुत फास्ट इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बिल्कुल सर, सेकंड्स में ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं आजकल तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, इतनी बेहतरीन से जवाब देने के लिए सर, काफ़ी शुक्रिया आपका। थैंक यू कविंद्र जी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सेम अमाउंट को अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है और अगर आप उसको डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं तो आप कैसे पैसा बचा सकते हैं। देखिए पैसा आप ही को देना है लेकिन उसको बचाना कैसा है ये हम आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।